जिलाध्यक्ष हरिचरण सिंह जी, पूर्व मंत्री बाबूलाल जी और पूर्व प्रधान उदय मान सिंह जी, और इधर उपस्थित कई घंटों से राह देखते हुए मेरी माता बहने, मेरे सब बुजुर्गण भाइयों, आप लोग सबको तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना समय निकलने के बावजूद भी आप लोगों ने यहाँ रुक के और इतने जोरदार प्यार के साथ हम सबका स्वागत किया है। उसके लिए आपने मेरी भी इज्जत रखी, सबकी इज्जत रखी, उसके लिए आप सभी बहुत बहुत आभारी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्षेत्र का मतलब डांग क्षेत्र के अंदर मेरा दौरा चार पांच दिन से चल रहा है। सवाईमाधोपुर का डांग, करौली का डांग और अब धौलपुर का डांग, इन सब डांग को देखने के लिए चला के हम लोग निकले। मुझे कई बातें जयपुर के अंदर सुनने को मिली, परंतु डांग की बात मैं खुद जानती हूँ, मैंने खुद देखा है, मेरे पास खुद खबरें आ रही थी, और इसीलिए चला के मैंने कहा एक दफा इस यात्रा के अंदर पूरे डांग इलाके में जाके ये देखा जाए कि जो जयपुर के अंदर बोला जा रहा है क्या उसमें कितनी सत्यता है और वाकई में आप लोगों को कितना आराम मिला है। और इसीलिए आज रस्ते भर देखते हुए मैं आ रही हूँ। अब कोई कोई लोग तो मेरा मजाक कर रहे हैं कि धौलपुर के डांग में 10 आदमी भी रोक लेते हैं तो वो आकर के रुक जाती है, क्या करें, अपना घर है, 10 आदमी भी रुक जाते हैं, रोक देते हैं तो अपनी पट्टी के साथ से रोक देते हैं। मुझे याद है वो दिन जब कोई पद नहीं था, कुछ नहीं था, पहली दफा जो भी सीखा वो इस धौलपुर बाड़ी और बदेड़ी के क्षेत्र में सीखा। और मुझे याद है कि ये हमारी एक आदत थी, ये मेरे से पूछ रहे सब लोग क्या यहाँ मंच नहीं बनते, क्या आप लोग ये सब तंबू वगैरह नहीं लगाते। हमने कहा हमारे यहाँ गांव के अंदर एक वो बेंच लेके आते हैं या खटिया लेके आते हैं, उसके ऊपर हम एक शॉल डाल देते हैं या दरी डाल देते हैं और उसी के ऊपर खड़े होकर भाषण देते हैं, उसी पर बैठ के फिर बाद में गप्पे लगाते हैं। तो ये बात ऐसी चलती है। तो मेरे को बाबूलाल जी बोले हैं पर यहाँ तो कोई मंच नहीं, आप कैसे उतर रहे हो। मैंने कहा उनकी वो खटिया लगी हुई है और उसके ऊपर उन्होंने अपनी दरी वरी बिछा दी है, तो इसमें तो उतर के बैठना ही पड़ेगा, चाहे वो एक मिनट क्यों ना हो। एक मिनट सुन के उनकी नाक का सवाल है, वो इज्जत रख के सबको राम राम करके और वहां से उनकी बात पूछ के हाल खबर पूछ के चलना है। इसीलिए रास्ता लंबा भी हो गया, सब लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और जो सच्चाई थी वो देखने को मिला। ऐसा रास्ता सबसे पहले मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी, पूरी माने करौली से निकल के जो रास्ता मुझे देखने को मिला है उसमें मालूम नहीं ये पिछले 4 साल के अंदर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे तगड़े गड्ढे देखने को मिले मुझे, और मैं समझती हूँ कि उनकी भरपाई आज दिन तक अभी तक हुई नहीं है, वो खराब होती चली गई, किसी ने इसकी मरम्मत नहीं की। अगर मरम्मत करती होती तो शायद ये स्थिति आज अपने को इस पे तक गुजरना नहीं होती। उसके बाद मैंने बिजली के बारे में सबसे पूछा, मेरे को बताया जा रहा है कि बड़ी अच्छी बिजली सब दूर आ रही है, तो मैंने पूछा कि बिजली की क्या स्थिति है। ज्यादातर गाँव में बोला कि हमारे पास कनेक्शन नहीं है, और जिनके पास कनेक्शन है उन लोगों ने बोला कि हमारे गांव के अंदर 2 या 3 कनेक्शन है। उन्होंने बोला कि हमारे पास बिजली आती तो बहुत ही कम आती है, कभी 2, 3 या 4 घंटे के बीच में आती है, उसमें बहुत जोरदार ट्रिपिंग होती है, और अगर आपका ट्रांसफॉर्मर बिगड़ जाता है तो वो ट्रांसफॉर्मर ये समझो कि वो ट्रांसफॉर्मर वापस नहीं आना है, कोई अफसर सुनता नहीं है, और जिसको वापस लाके देना है वो रिश्वत के बिना नहीं देता, क्या ये सही है। जोरदार समस्याएं हैं और ये समस्याएं तो तभी हटेंगी जब मैं समझती हूँ कि एक दफा हम लोग सही तरीके से इस इलाके के अंदर राज लाएंगे। आंगई की पेयजल योजना यहाँ तो नहीं है पर वहाँ आपके सरमथरा के अंदर 80 गांव के लिए 118 करोड़ की
अपने क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना अपने समय में स्वीकृत की थी। 12 गांव को पानी मिल गया था, मुझे याद है मैं पीछे पड़ी थी, 12 गांव तक तो पानी पहुंच गया था, पाइपें आ गई थी, उसके बाद सरकार चली गई। मैंने पूछा कि हो सकता है कि ये सब आगे बढ़ के सबको पानी 80 गांव में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उन्होंने बोला जहां आप छोड़ गए थे वहीं के वहीं मामला पड़ा हुआ है। बसेरी के अंदर पानी आधे घंटे के लिए दिन में एक दफा आता है, क्या ये सही है? इतनी बड़ी सिटी है, बिल्कुल सही है। आधे घंटे में खाली आधे घंटे के लिए पानी आता है। विद्युत कटौती आपके हिसाब से 18 से 20 घंटे ये तो नहीं हो सकता, 18 से 20 घंटे तो नहीं हो सकता भाई। आपके यहाँ स्वीकृत 5 सब स्टेशन है, उन सब स्टेशन के कार्य बंद पड़ा है और आपको बहुत बड़े बिजली के संकट महसूस होती है। बसेरी बयाना वाया छोकरवाड़ा बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है। तो मैंने उस रास्ते के ऊपर से शॉर्टकट भी हुआ करता था, उस रास्ते के ऊपर से अब बहुत कम लोग जाते हैं। बसेरी में बीपीएल को विद्युत संबंध काम बंद पड़ा है तथा रिश्वत भ्रष्टाचार के बिना काम नहीं होता है, उसने मेरे को लिख के दिया था, ये सही है। किसानों को एक बजे पूछता था, ये जो ऋण है किसान का ऋण, मैंने दूसरी जगह में भी पूछा था, आजकल इन्होंने बहुत हल्ला मचाया कि हम किसान का ऋण दे रहे हैं 1.5 लाख रुपया और उसको आपको दे रहे हैं बिना ब्याज के, तो आपको मिल रहा है क्या बिना ब्याज का ऋण? कल मैंने हिंदोनी में पता किया था, हिंदोन में, तो हिंदोन वालों ने मेरे को बताया कि नाम के वास्ते तो 1 लाख मैंने 1,50,000 का ऋण है और बिना ब्याज का है, परंतु इसमें से हमको सिर्फ 30,000 रुपया मिलता है। अब आपके यहाँ है क्या ऐसा? वो भी नहीं मिलता। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि 1,50,000 रुपए में से सिर्फ 10,000। तो मजाक बना के रखा है क्या? तो किसान को बोलने का मतलब क्या है? तो किसान को बोल रहे हैं कि हम तुमसे बड़ा एहसान कर रहे हैं और 1,50,000 में से आपके पास धन 10,000 और वो भी गिने चुने लोगों को, वो भी रिश्वत देनी पड़ती है। अरे मैं तो अच्छा, मेरे को दूसरी बात इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के अंदर आपके डॉक्टर है क्या? पीएचसी से सीएचसी हॉस्पिटल को आपको प्रमोन्नत करना है, ये आपकी मांग है, आपके नहीं है। और मुझे ऊपर बताया ये गया है कि मुफ्त दवाई या सस्ती दवाई और मुफ्त जांच आप लोगों किसी को मिल रहा है? आपके पीएचसी के अंदर डॉक्टर है क्या? तो डॉक्टर नहीं है तो वो पहले बोल दो ना, डॉक्टर नहीं है तो फिर जांच कैसे होगी? मुफ्त जांच तो फिर होना ही नहीं है। अच्छा, अपने टाइम में 33 केवी सब स्टेशन 3 बन गए थे, 2 132 केवी जीएसएस बन गए थे और बसेरी में एईएन का विद्युत संभाग अपन ने ला के बना दिया था। बसेरी बारी मार्ग भूतेश्वर मार्ग पर पुल का पूरा निर्माण अपने तरफ से हो गया था, ये तो सब अपने काम थे। अब मैं इतना कह रही हूँ, बसेरी से सरमता सड़क को चौड़ी करवाई थी और उसके पुल का भी अपन ने निर्माण करवाया था। 125 विद्यालय क्रमोन्नत हुए थे और मैं समझती हूँ कि वो कोई काम नहीं है। 40 गांव सड़क से जुड़े थे, बसेरी से यूपी बॉर्डर तक सड़क को चौड़ा कराने का काम अपने हाथ में लेके उसको पूरा किया था। बसेरी भरतपुर सड़क चौड़ी कराने का काम अपन ने किया था। 25 आंगनबाड़ी अपने यहाँ खुले थे। सरमथरा से जिरी ये सड़क का एक दफा फिर से हम लोगों ने काम करवाया था और जीरी के अंदर जो सीमेंट फैक्ट्री के सर्वे का काम हम लोगों ने करवाया था, ये सोच करके कि यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री लग जाएगी तो कुछ अपने बच्चों की यहाँ नौकरी लग जाएगी, मैं सुनती हूँ कि इस सरकार ने उसको बंद कर दिया, वो आगे नहीं बढ़ा ना, आगे नहीं बढ़ा और बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि उनने सब काम जहां मैं देख रही हूँ सब काम जिसके लिए हमने पैसे भी छोड़े थे उनको भी करा के रख दिया है। कानून व्यवस्था, एक परमार सिंह जी की बात करते हैं, उनकी गोली मारकर हत्या हो गई थी और कानून व्यवस्था
जलसेना कही है, हत्या लूट पाट अपहरण वगैरह सब कुछ चल रहा है। अभी मैं रस्ते में आ रही थी तो एक गांव ने बोला कि बसों का इंतजाम करिए था। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा कोई पुरानी बात है, आपको तो मालूम होना चाहिए कि 5 बजे के बाद बसें रद्द नहीं चलती। मैंने कहा वो तो कई साल पहले की बात थी, जब हमारे कुछ नहीं काम तो आपके बीच में घुमा करते थे तो मुझे मालूम है। तब से लेके अब तक कोई फर्क नहीं है क्या? अगर ऐसे ही चलने वाला है तो क्या होगा? अब थोड़ा सा आपके बोलते मैं कान में डालना चाहूंगी। आप मेरे को ये बताओ, जब हमारी सरकार आती है तो मालूम नहीं क्या हो जाता है, आप लोग उधर चले जाते हो, जब उनकी सरकार आती है तो इधर चले आते हो, तो दोनों मने टाइम के अंदर अधर में पड़े रहते हो, क्या बात है? मैं बार बार कहती हूँ कि भैया इधर उधर ट्राई करने की बजाय एक जगह पर जम के बैठ जाओ ना, तो कहीं ना कहीं से तो काम अपने को मिलना ही है। इस बार मैं आप लोगों को ये कहने आई हूँ कि ये 4.5 साल वाली सरकार को अपने अच्छी तरह से देख लिया, काम नाम होने वाला नहीं है। ये आकान कोटा के सुन लो, क्योंकि ये अपने इस क्षेत्र की बात नहीं है, अपने पूरे राजस्थान, मैं 3 जगह से होके आ रही हूँ, पूरा उदयपुर देख लिया, पूरा कोटा संभाग देख लिया, और अब 2 दिन के बाद आपका ये पूरा इंदौर भरतपुर संभाग ये कंप्लीट हो जाएगा। और जगह जगह पे मुसीबत में वही है, अलग अलग नहीं है कि ऐसा है कि आपको बहुत मुसीबत और उनको नहीं। हाँ, मुसीबत सिर्फ इतनी है कि डांग का इलाका बहुत लंबा चौड़ा सूखा और बहुत मुश्किल इलाका है, वो इलाके में लोगों को ज्यादा परेशानियां होती है, वो आंखों से देखने को मेरे को मिला। जहां जहां मैं गई उसी तरीके से उसी कुटिया के अंदर वैसे ही छोटे छोटे गांव ऐसे ही लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बड़ी मुसीबत में से निकल रहे हैं। अभी भी वही खेचू, हमारे यहाँ खेचू नहीं है, वो खेचू है तो वो खराब हो गया है, वही बात हमको सुनने को आ रही। मैंने अपन आगे नहीं बढ़ पाए, और इस बार मैंने सबको ये कह दिया है कि राजस्थान के अंदर काम तो करना ही करना है, परंतु डांग इलाके के अंदर जहाँ आदमी अत्यंत ही गरीब है, उस डांग इलाके को प्राथमिकता के हिसाब से अपन आगे रखे, उस डांग इलाके के अंदर काम करके उस गरीब से गरीब आदमी को अपने पैर पे खड़ा करने का काम आप और हम मिलकर करेंगे। इसीलिए मैं आप लोग सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भले ही दूर हो, अपना घर आसानी से कोई भूल नहीं सकता है, और ये सब जो कुछ भी मैं हूँ यहाँ से आपने पूरी ट्रेनिंग से, जब धोलपुर की ट्रेनिंग नहीं हुई होती तो मैं तो समझती हूँ कि बहुत दिन तक मैं चल भी नहीं पाती। ये धोलपुर की ट्रेनिंग है जिसने अच्छी तरह से पक्का बनाया है, घोट घोट के पक्का बना दिया है, ताकि सुनने के भी आदि हो गई हूँ, समझने की भी आदि हो गई हूँ, काम करने की भी आदि हो गई हूँ। क्योंकि मुझे याद है जब शुरुआत की थी तो मेरे एक एमएलए साहब ने मुझे कहा था कि ये सबको काहे को बिगाड़ रहे हो, इनकी बात को किसी को सुनने की थोड़ी जरूरत है, आप लोग तो इनको चलने दो और दुखी होने दो और अपने काम के अंदर ऐसे घुटके रहे कि आपसे हैंडपंप वैंडपंप मांगने की इनकी हिम्मत ही ना हो। तब से लेके आज तक 20-25 साल निकल गए, और उन 20-25 साल में अपना रिश्ता वैसे के वैसा हुआ, हम लोग तो बड़े हो गए, बच्चे थे उस समय, मेरे साथ के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा सा हम लोग बड़े हो गए, बच्चों का जनरेशन हमारे सामने आ गया, उन लोगों के लिए मुझे चिंता है, और उन लोगों के लिए मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग की तो जिंदगी एक किस्म से आधी हो गई, और हम लोग जानते हैं वो क्या काम करना है अपने क्षेत्र के अंदर, पर वो बच्चे टेलीविजन देखते हैं, वो बच्चे जाते हैं बाहर इस क्षेत्र को छोड़ के, ग्वालियर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, आगरा जाते हैं, वहां देख देख के वापस आते हैं अपने गांव में और कहते हैं कि ये कहां रह रहे हैं, कौन से नरक में रह रहे हैं, इसके बारे में कुछ करने वाले हो कि नहीं, और कहते हैं हमें तो धुतकार के कि भाई ये गांव के अंदर हमें नहीं रहना। हम चाहते हैं कि लोग गांव को छोड़ के नहीं जाएं, हम चाहते हैं कि वो अपने गांव के अंदर आए और गांव को और सुदृढ़ बनाने का काम करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें यह है कि जिस तरीके से अपने सरकार के टाइम में हम लोगों ने 5 साल के अंदर 10 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम किया, जिसमें गैर सरकारी और सरकारी थे, ऐसे हमको गैर सरकारी भी काम अपने इस क्षेत्र के अंदर खड़ा करना पड़ेगा ताकि बच्चों को नौकरी मिल जाए। ऐसे निठल्ले नहीं बैठे, और निठल्ले बैठेंगे तो जाएंगे सड़क के ऊपर, हम नहीं चाहते कि वो स्थिति हो, क्योंकि हर परिवार चाहता है कि हमारा बच्चा सेटल हो, हर परिवार चाहता है कि उसको काम धंधा मिले, और वो
कि हम उसकी वजह से हमारा परिवार किसी भी तरीके से कलंकित हो। सब लोग चाहते ही है और हमारा काम ये है जिम्मेदारी के साथ कि हम लोग आगे चल के इस स्थिति को बनाए अपने क्षेत्र के अंदर, ताकि ये आप जो जिस तरीके से गुजर रहे हो वो हमको देखने की नहीं पड़ेगी। इसलिए आज आप लोगों को सबको मैं कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय के अंदर इस महंगाई की वजह से, इस लूटपाट की वजह से आज हम लोगों को कमी अपने क्षेत्र के अंदर महसूस हो रही है। इतना याद रखना कि जो लोग हमसे बात करते हैं उन लोगों ने पूरे राजस्थान को लूट के रख दिया है। ये मुख्यमंत्री रोज बाद में मेरे बारे में कहता है ना, आज मैं अपने परिवार के बीच में खड़ी हूँ, भैया आपके सामने सिर ऊंचा करके खड़ी होकर कह सकती हूँ कि एक मिनट के लिए भी अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को मैंने कलंकित नहीं किया। आप लोगों को कहीं नहीं की जरूरत नहीं। आपने मेरे को यहाँ से भेजा था ये कह के कि जाओ और हमारा सबका परिवार का नाम उजागर करो, रोशन करो। कभी ये नहीं चाहोगे कि किसी भी कलंक लगे और हम लोग सबको नीचा देखने पड़े। इनने सब पहले खंगाल ली, इनने माथुर कमीशन खड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया, परंतु मिला क्या? होदा बाहर वो भी नहीं निकली, वो भी नहीं निकली और करे जा रहे हैं। मैंने कहा करते जाओ, हमारे हम सब लोग आप जैसे नहीं है। आपने तो लूट मचा दी राजस्थान के अंदर, कोई ऐसा काम नहीं है जो अपने नहीं करते। ये मैनोज गहलोत और कोठारी तीन जन मिलके राजस्थान के अंदर पूरे लूट मचा के रखे हैं। होटल बना दिया तो अपने बेटे के लिए, वहां अपने खदान बना दिए तो अपने परिवार के लिए, और जो बचे कुचे थे उन लोगों को किसी को लेक्चरर बना दिया तो किसी को टीचर बना दिया। ये भूल गए कि हमारे इतने सारे बच्चे पड़े हुए हैं, 60% कर्मचारी के पोस्ट खाली हैं, टीचर के पोस्ट खाली हैं, डॉक्टर के पोस्ट खाली हैं। इन पोस्ट को अगर बल देते तो ये स्थिति हम लोगों को किसी को देखने को नहीं मिलती। हमारे देश के दामाद को आरती करके, देश के दामाद कौन है? और नाम तो आप लोग जानते हो, सब लोग जानते हैं। देश के दामाद को आरती करके अपने प्रदेश के अंदर बुलाया और अपने प्रदेश के अंदर बुला के उनको बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर जितनी जमीन चाहते थे उनकी जमीन दे दी, और उन्होंने जमीन बेच के और पूरा पैसा इकट्ठा करके अपने जेब में लेके और आराम से यहां से निकल गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वहां का किसान गिड़गिड़ा के कहता था, अरे हमें 2 बीघा जमीन दे दो, हमें 3 बीघा जमीन दे दो तो हम अपना जीवन यापन करें। किसी को बेचारे किसानों को तो नहीं मिले, परंतु इन लोगों को, इन दुष्टों को जो चले आए वहां, उन लोगों को जितना चाहिए था अनाप शनाप देके उन्होंने राजस्थान की मने विरासत को लूटने का पूरा काम किया। मैं आप लोग सबसे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत हो गया, कांग्रेस से अपना ये रिश्ता नाता कहीं तो टूटना पड़ेगा। मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूंगी, हर चीज को ठीक करने के लिए समय लगता है, किसी के हाथ में जादू नहीं है, हमारे हाथ में भी जादू नहीं है। आपने जब मेरे को सरकार दी तो 55 साल कांग्रेस को दिया, 5 साल मुझे दिया और 7 साल भैरव सिंह जी को दिया। 7 साल के अंदर भैरव सिंह जी ने पूरा काम करके दिया, 5 साल के अंदर आपके प्रदेश के अंदर काम हुआ वो आपने भी महसूस किया ना, किया ना। बिजली मिली, पानी के लिए काम चालू हो गया, रोड के ऊपर काम हो गए, बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ गया, नौकरियां मिल गई लोगों को, टीचर बन गए लोग, सब लोगों ने देखा। धौलपुर के अंदर काम हो गया, बसेड़ी के अंदर काम हो गया, बहुत सारे काम हो गए। 5 साल के अंदर जिसको बीमारू प्रदेश कहते थे वो बीमारू प्रदेश अपने पैर पे खड़ा हो गया। अब सरकार अपने हाथ में 5 साल और होती तो आप लोगों को कभी मोड़ के पीछे देखने की जरूरत नहीं होती। पर वो नहीं हुआ और ये सरकार इनके पास से वापस चली गई। उधर मध्य प्रदेश को देख लो, 10 साल मध्य प्रदेश को जनता ने दिया, 10 साल दिया छत्तीसगढ़ को और चमका दिया चीफ मिनिस्टर दोनों के मुख्यमंत्रियों ने और देश के नक्शे के ऊपर लाके रख दिया। उधर 15 साल दे दिए गुजरात के मुख्यमंत्री को और गुजरात के मुख्यमंत्री ने चमका के गुजरात को देश के नहीं दुनिया के मानचित्र के ऊपर लाके रख दिया। यदि आपने कहा और 5 साल के अंदर अपन लोगों ने गड्ढे में जिसको खड़ा करा तो था, अगर समय मिल जाता तो वो भी अपन पूरा करते। इसीलिए मैं कहती हूँ हाथ में जादू तो नहीं है, परंतु जादू मेरा ये है, ये सब जो है यही तो जादू है, ये जादू
जादू जब चल जाता है तो कोई चीज को रोक नहीं सकता। और मैं कह रही हूँ और अच्छी तरह से आप लोग जानते हो क्योंकि इसका यहाँ बहुत हमने प्रयोग किया है। लड़ाओ सबको, सबसे ज्यादा तो पहले मैंने यही सीखा, सबने मेरे को कह दिया कि ये तो एक जात को दूसरे से लड़ाओ, दूसरे को तीसरे से लड़ाओ, हिंदू मुसलमान को लड़ा दो और लड़ाई के ऊपर अपना सीट निकालो। ये धौलपुर वालों ने मुझे सिखाया। और फिर जब चुनाव का टाइम आता है तो 6 महीने पहले से बजरी गिरने लगती है, पोल आ जाते हैं, मालूम नहीं कहां से 4.5 साल नहीं हुआ और 6 महीने पहले आके पोल पड़ जाते हैं, तार पड़ जाते हैं, गिट्टी पड़ जाती है, मिट्टी पड़ जाती है। आप लोग सब जाते हो, ये तो हमारा पुराना खेल है धौलपुर के अंदर, इस चीज को तो हमने वहीं सीखा है। इसलिए मैं कह रही हूँ, तब भी मैंने कहा, आज भी मैं कह रही हूँ, ये अपना ही पैसा है, अगर दे रहे हैं बांट रहे हैं ले लो, हम नहीं कह रहे मत लो, पर तो समझ करके काम करो। अब हम लोगों को समय नहीं है कि हम इस समय को बर्बाद करें। सब पूरा परिवार, इसमें सब लोग, सब 36 से 36 कौम और सब मजहब के लोग एक साथ मिलकर अपनी आवाज उठाएंगे, सब हम अपना काम कर सकेंगे, हमारे रास्ते में कोई नहीं आ पाएगा। आता तो तब है जब वो पुराना धौलपुर का चलता था, कोलारी गांव में गए तो कोलारी गांव के सरपंच साहब को कहा कि रास्ता कहां से निकाले, रास्ता चाहिए, तो उनने कहा सरपंच साहब हाँ बिल्कुल चाहिए, कहां से निकाले, उनने कहा साहब वहां से लेके वहां से घुमा के ऐसा करके उस खेत से निकाल देना। फिर उनने बुलाया दूसरे को, देखा पंचायत आपके सरपंच साहब तो ये कह रहे हैं आप कहां से रास्ता निकालोगे, वो तो कहना ही था कि यहाँ हो, वहां से तो बिल्कुल नहीं, वो तो यहाँ से निकालने की जरूरत है। अब फिर सब पंचायत को बुला के कहा कि तुम लोगों के बीच में तो झगड़ा है तो हम तो रोड दे नहीं सकते, पहले तुम लोग अपना झगड़ा निपटा लो और जब निपटा दोगे तो हमारे पास आ जाना, फिर हम तुमको झड़क देंगे। कितने बार सुना है इन बाड़ी बसेरी और धौलपुर के अंदर तो हमारे सबके कान पक गए ये सुन सुन के। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमें झगड़ा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। रोड बनता है, पानी आता है, बिजली लगती है तो हमारा सबका भला होता है। इसलिए सब लोगों को एक साथ मिलके और एक आवाज के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के लाना है। सुन लिया ना, इस बार गलती अपने को नहीं करनी। हर बार जो जीत के आता है उसके बिल्कुल उल्टे अपने बैठे हैं, अपना काम नहीं होता है। इस बार अपन जाएंगे सरकार के साथ जाएंगे और अपन अपनी सरकार बनाएंगे और अपनी सरकार बना के अपने क्षेत्र के अंदर काम करेंगे। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार आपको अकेले मैं नहीं छोड़ूंगा, साथ आ जाओगे मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी, साथ में लेके अपने काम करेंगे, साथ उसको विश्वास करेंगे। और आखिर कहना चाहता हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, इस परिवार को मैं नहीं बोल सकती, कभी भी नहीं बोल सकती। इसलिए आज आप लोगों ने इतना प्यार किया है, आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। और फिर ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने हो, इस परिवार को सींचना और आगे ले जाना ये मेरा काम होगा। इसमें विश्वास करके साथ को एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब आवाज चाहिए जोरदार, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आपको मैं बता दूं कि पिछले 5 दिन में मुसलमान समाज के लोग भारी संख्या में अपनी पार्टी के साथ आए और भारी संख्या में बैरवा समाज के लोग टूट टूट के हमारे साथ आए, उनका हमने स्वागत किया। और मैं विश्वास करती हूँ कि उनके आने से पार्टी मजबूत होगी। आज भी उदय सिंह की परमार जो डायरेक्टर है सिंचाई पार्क के, उदय सिंह की परमार रतनपुर सरपंच सिंचाई, ठीक है।